जल ही जीवन है और जल को जल के माध्यम से जीवन चलता है, लेकिन उस जगह में जाकर पूछिए जहाँ पर आज भी माँ बहन कितने दूर तक पानी लेके आती है। और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं पीछे हुआ लेडीज़ का टीम, चंपाई सोरेन जी जो झारखंड राज्य के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एवं आदिवासी कल्याण मंत्री है, उनके द्वारा आदितपुर जैसा क्षेत्र में जल को लेके आना और आज से जिंदल उसको टेक ओवर कर रही है। और उसी खुशी में सभी महिला चंपाई सोरेन जो मंत्री है उनको शाबाशी देने के लिए, और वह जल जो उनके घर में आने वाला इनका खुशी आप देख सकते हैं। चंपाई सोरेन जी खुद उनसे बात कर रहे हैं और आप देखिए कि जल ही जीवन है। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। दूरी मत रखो पानी, ताकि हर घर में हर परिवार को मिले। ये बहुत जल्दी आप लोग को बीच में काम होने जा रहा है। आज ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करना होगा, आप समझिए 15-20 दिन करना है। इतना ही वो नस्लन रोड तरफ में 1000 परिवार तो हो गए ना, उसमें शुरुआत करा देंगे है ना। आज शुरुआत करने के बाद हम लोग देखते रहेंगे और किधर किधर क्या कमियां है। उधर 10 टोला का भी बात हुआ है, 10 टोला में कभी पानी पहुंचते कभी नहीं, क्या कमी है उसको हम दिखवाने बोला है, उसको भी 2-3 दिन के अंदर में ताकि उसको ठीक करे। और इधर आपका आदिपुर बस्ती तरफ भी कभी सही रूप से जाते हैं कभी नहीं, वो भी आप इस तरह का और नहीं होगा। हर जगह सेम सही समय पर पानी आओ। उसके पीछे आ भी रहा था तभी ना भागी है, ना भाग की गाँव गई बताई तब आया सब दादा। हम लोग को सैंडी बस्ती संजय नगर नेशनल आज निर्णय में हम लोग आया कुछ वहाँ से जो पानी आने में जो तो कठिनाई है, कभी कभी जो बिजली के कमी के बात है और दोनों जगह हम लोग बात करेंगे, जुस्को से भी बात करेंगे और इधर से भी। पहले वो कमी को हम लोग दूर करेंगे, वो कमी दूर होने के बाद 50% अपने आप यहाँ पर जनता को पानी मिलने का और संभावना बढ़ जाएगा। और इस इलाके में जिंदल आने के बाद जो ये जो हम लोग पानी का जो किल्लत है कमी है, एक तरह से जिंदल हैंड ओवर करने जाए। और उसका पहले से ही ना आज हमने कहा कि आप लोग अपना काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि 8 तारीख से तो आप लोग आज लेने जा रहे इधर में। इस इलाके का सारा चीज़ आप लोग देख लीजिए कहाँ पर कमी है कहाँ पर यह है, ताकि बहुत जल्दी हफ्ता 10-15 दिन के अंतर्गत में इस क्षेत्र में पानी देने का शुरुआत करें। जो सीतारामपुर डैम में वो हम लोग गंजा ब्रिज से उसका तो पाइपलाइन आ रहा है, थोड़ा सा काम बाकी है, हम समझते वो भी बहुत जल्दी वो पूरा हो जाएगा, तो ये समस्या नहीं रहेगा। अभी इस इलाका में जो प्रॉब्लम है वो कल से फिर यहाँ बैठक करने के लिए हमने निर्देश दे दिया, आप लोग कल बैठक करके ये कमी को दूर करें, या बिजली का कमी हो या किसी का तरह इस तरह का जो बात आ रहा सामने, ताकि कल बैठक करके जिसको से भी आप लोग बात करेंगे ताकि
इस इलाका में बिजली का कमी के चलते पानी का सप्लाई का कभी बाधा ना आया। एडी लाइव के वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार।